हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। गाइस, ये है रियल मी नार्जो 50 और इसके हम 10 टॉप्स हिडन फीचर के बारे में जानेंगे। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए था आप डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक में देख सकते हैं। एंड आइए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो की शुरुआत में हम बात करते हैं पर सनराइजेशन और सेटिंग का। तो वहाँ पर फर्स्ट फीचर आपको यही मिल जाता है। सेटिंग ऐप ओपन करेंगे आप और आपको यहाँ दिखता है पर सनराइजेशन एंड इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है आइकन स्टाइल एंड आप यहाँ से आइकन स्टाइल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं तब यहाँ से शेप्स आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से। एंड ये होता है बैकग्राउंड एंड इस तरीके से बैकग्राउंड जो अंदर का होता है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जितना छोटा रखना चाहे तो रख सकते हैं या फिर आप बिग रख सकते हैं। ये होता है आइकॉन स्टाइल यानी ये पूरा एक साथ आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि जिन्हें दिखने में, जैसे कि आपकी मम्मी पापा दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप बिग कर सकते हैं। एंड और यहाँ पर ऐप नेम का भी मीडियम से आप रख सकते हैं। ऐप नेम जो आपको यहाँ देख सकते हैं ऐप नेम है ये, तो जैसे ही मैं बड़ा रख देती हूँ और इसके बाद आप इस तरीके से होम करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पूरा सेटिंग चेंज हो चुका है। और यहाँ पे ऐप की स्टाइल आइकन ये सब चेंज हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। एंड वापस से पर्सनलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर आइकन स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी में आपको सेकंड टिप्स में दिख जाता है ऐप लेआउट, यहीं से आप ऐप लेआउट कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितना आप रखना चाहे, 6-5-6 अपने हिसाब से, एंड वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और सेकंड टिप्स की बात करती इसी के अंदर कलर्स एंड कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जितने भी जैसे डायल पैड हो गया तो जो एक नोटिफिकेशन ऐसे जो अलग से आते, जैसे ये नोटिफिकेशन स्लाइड करते थे यहाँ पे अभी ग्रीन शो हो रहा है। एंड जैसे इसमें बताएं एंड यहाँ से कलर इनफैक्ट चेंज कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका सेट हो जाता है, देख सकते हैं। इसी का नोटिफिकेशन का ही सेट हो गया, देख सकते हैं आप। यहाँ से पिंक मेरा सेट हो गया एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सेलेक्ट करेंगे जो पसंद आप वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि कलरफुल सेट कर देते हैं और इसके बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन भी क्लिक करना है। इस तरीके से फिर इसे देखेंगे कि पूरा चेंज हो चुका है। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में यहाँ से कलर इनफैक्ट चेंज कर सकते हैं इसमें। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है यानी कि फ्रंट साइज एंड डिस्प्ले, तो यहाँ से आप ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जितना आप रखना चाहे उतना रख सकते हैं। जिन्हें देखने में तकलीफ होती है उन्हें आप अपने हिसाब से ऐसे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। एंड जैसे कि डिस्प्ले साइज़ और फ्रंट साइज़ इस तरीके से बड़ा कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपका जो है यहाँ बैक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पूरा ऐप जो नेम है पूरा बिग हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ऐसे दिख रहे हैं आपको। ऐसे ही बहुत अमेजिंग फीचर है ये। और जिन्हें नहीं दिखने में जिन्हें प्रॉब्लम है वो आसानी से इस तरीके से देख सकते हैं। फिर से इसे भी क्लिक करेंगे पर सनराइजेशन एंड इसके बाद वापस इसे भी क्लिक करेंगे और फेवरेट इस तरीके से अब इसे मीडियम रख लेते हैं इस तरीके से। बट मेरे को मीडियम ज़्यादा बेटर लगता है। एंड और इसके मोर के ऑप्शन भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको फ्रंट स्टाइल आपको यहाँ दिख जाता है, देख सकते हैं। ट्राई आउट यानी कि आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं बट यहाँ से आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर फ्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्री वाले आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं आपको फ्री ऐसे फ्री में सेट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, जैसे कि और आपको ये वाला पसंद है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ से सेट हो जाता है। एंड इस तरीके से यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये होता है आइकन स्टाइल। एंड जब सब कुछ सेट हो जाता है अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपको सेट हो जाता है। और ये दिखता है हमारा नोटिफिकेशन एंड इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन स्पेस जो वो होता है शेप्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला रख देती हूँ स्क्वायर एंड इसके बाद अब इसे और बैक करते हैं देख सकते हैं ऐसा चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं सर्कल ही रखना चाहूँगी, सर्कल ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को। एंड इस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसमें थीम एंड वॉलपेपर ये सब सेट कर सकते हैं। और बात करते हैं सेकंड फीचर की, एंड सेकंड फीचर हमारा लाइव वॉलपेपर। तो ये हमारा शॉर्टकट है, इस तरीके से होम स्क्रीन को प्रेस करके रखें जहाँ पर ऐप नहीं होता है इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको यहीं पे दिख जाता है वॉलपेपर एंड इस पर क्लिक कर देंगे एंड लाइव वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको चलते फिर से वॉलपेपर आपको यहीं पे दिख जाते हैं यानी कि और मूविंग करते हुए। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में धीरे देखेंगे इसमें भी मूविंग हो रहा है धीरे धीरे बट। एंड इस तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा इनमें से एक ही अच्छा लगता है ये वाला, तो देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा लगता है लाइटिंग इफेक्ट। और ये ऐसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से होम करते हैं तो आपको
ही सेट हो जाता है, देख सकते हैं बहुत अमेजिंग फीचर है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ऐसे लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। गाइस हमारा थर्ड फीचर है डबल टैप टू वेक, यानी कि डबल बार टच करते हैं इस तरीके से तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाता है, देख सकते हैं डबल टैप क्लिक करने से स्क्रीन ऑन हो गया है, डबल टैप क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इस तरीके से अमेजिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं आप। ये अमेजिंग फीचर आपको यहाँ पर मिलेगा, उसको प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करने के बाद आपको यहाँ दिख जाता है मोर का ऑप्शन एंड अदर सेटिंग के मोर के ऑप्शन भी, इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आपको यहाँ डबल टैप टू ऑन डबल टू बैक स्क्रीन ऑन करेंगे और उसके बाद यहीं पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है धीरे से थोड़ा सा, तब आपको यहाँ दिखता है डबल टैप टू लॉक, इसे भी इस तरीके से ऑफ है तो ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद स्क्रीन ऑफ होम करते हैं तब इस तरीके डबल टैप क्लिक करते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, देख सकते हैं। तो ये फीचर बहुत अमेजिंग है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ फीचर की बात करते हैं शो ऐप्स सजेशंस, ज़्यादा जो ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं आप वो यहाँ पे ऊपर शो हो जाता है। एंड तो आप ये इसे कैसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसमें बता देंगे, तो उसके लिए आपको प्रेस करके रखना है होम स्क्रीन को, उसके बाद आपको इस प्रकार से स्लाइडिंग करना है और मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ दिखता है ऊपर से स्क्रॉल करेंगे और आपको यहीं पे दिखता है शो ऐप सजेशंस, एंड इस प्रकार से ऑफ होता है और ऑफ करते हैं जैसे कि आप होम करके फिर इसे होम स्क्रीन पे जाते हैं डिस्प्ले पे देख सकते हैं वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। एंड इस तरीके से आप इसे ऑन कर लेते हैं गाइज, अब इसे यहीं से ऑन कर लेते हैं तब इसे होम करके फिर से देखेंगे तो यहाँ पे फिर से शो हो जाएगा, यानी जो ऐप ज़्यादा आप यूज़ करते हो वो ऐप यहाँ पर ऊपर शो हो जाता है। तो अमेजिंग फीचर है, मेरे को ये सबसे ज़्यादा फीचर ये पसंद आया है। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इनका यूज़ कर सकते हैं, एंड तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इनका यूज़ करेंगे। फिफ्थ फीचर की बात करते हैं गाइज, राइज टू वेक, यानी कि अब इसे ऑन करने के लिए आपको और सेटिंग ऐप ओपन करना होगा। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आपको और कम्युनिकेशन टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहीं पे दिखता है और गेस्चर मोशन का ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर देंगे और यहीं पे आपका दिख जाएगा राइज टू वेक एंड इस प्रकार से ऑफ होता है तो ऑन कर लेंगे और यहीं पर आपको दिखता है लेफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, तो इसे भी ऑफ है तो ऑन कर लेंगे। दोनों ऑन करने के बाद आपका जब भी आपके पास कोई कॉल आए तो आपका कॉल को रिसीव करने के लिए आप ईयर के पास लेके जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा, इसे ऑन करने का यही फ़ायदा होता है। और सिक्स्थ फीचर है हमारा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, यानी कि अगर स्क्रीन ऑफ करके ऐसे ओ बनाते हैं हम तो ओ बनाने से आपका कैमरा ऐप ओपन हो जाता है, देख सकते हैं। एंड ये अमेजिंग फीचर ऑन करने के लिए आपको सेटिंग ऐप ओपन करना होगा एंड इसके बाद आपको कम्युनिकेशन टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है और ये वाला ऑप्शन गेस्चर एंड मोशन एंड इस पर क्लिक कर देंगे, स्क्रीन ऑफ गेस्चर पर क्लिक करना है और आपको इस तरीके से आपको यहाँ दिखता है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इस तरीके से ऑफ है तो ऑन कर लेंगे, सभी को ऑन करने का अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑन है ये भी ऑन कर लेंगे। और ऐड गेस्चर भी आप कर सकते हैं, जैसे एम बनाने से आप कौन से ऐप ओपन होना चाहिए आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हम यूट्यूब से प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इसे होम करके आप फिर ट्राई करेंगे इस तरीके से स्क्रीन ऑफ करेंगे, वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन के बीच में आप बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ देख सकते हैं होम मतलब एम बनाने से डायरेक्ट प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। अब वी बनाते हैं तो वी से आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, देख सकते हैं। ये अमेजिंग फीचर है और ये सबसे ज़्यादा ये भी मेरे को फीचर बहुत अच्छा लगा एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। गाइस सेवन फीचर है होम स्क्रीन मोड, तो आप उन्हें कैसे करेंगे उसके लिए आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके रखना है एंड इसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करेंगे, मोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ दिख जाता है सबसे ऊपर होम स्क्रीन मोड एंड इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे अभी इस पर क्लिक है इसलिए स्लाइडिंग हो रहा था। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई पे क्लिक कर देंगे स्टेट मोड पर एंड स्विच पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको होम कर अब ये होम हो जाएगा ऑटोमेटिक, देख सकते हैं आप स्लाइडिंग जो हो रहा था अब नहीं हो रहा, तो ये अमेजिंग फीचर है बहुत आप ये यूज़ कर सकते हैं। बस एट फीचर है हमारा स्मार्ट साइड बार एंड देख सकते हैं आप इस प्रकार से ऐसे साइड करते हैं तो आपको ये आइकन दिख जाते हैं, तो उसकी आपको ओपन करने मतलब सेटअप करने के लिए आप सेटिंग ऐप ओपन करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है और कम्युनिकेशन टूल्स एंड इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ भी दिखता है स्मार्ट साइड बार एंड इस पर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से ऑफ है तो ऑन कर देंगे एंड इसे होम करेंगे एंड इस प्रकार से ऐसे रखते हैं, तो आप यहाँ से ऐसे लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर, तो हल्का सा ऐसे स्लाइड करके रखते हैं तो आपका ऐसे ओपन हो जाता है एंड जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे शॉर्टकट देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा फीचर है। यहीं से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड देख सकते हैं और
इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप और भी ऐप ये सब ऐड कर सकते हैं। जो ऐड नहीं करना है उसको ऐसे माइनस पे क्लिक कर देंगे, ऐसे वो ऐप हटते जाएंगे। देख सकते हैं आप जो आपके काम का वो आप रखेंगे यहाँ पर, एंड देख सकते हैं मैं हटा रही इस तरीके से। और जो ऐप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉक ऐप, एक कैमरा ऐप, एंड डन पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कैमरा ऐप से शॉर्ट फॉर्म ऐसे ओपन कर सकते हैं। जो ऐप नहीं मिलता है इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे और डाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना अमेजिंग फीचर है, तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 9th फीचर है प्राइवेसी, एंड आप किसी भी ऐप को, फाइल को प्राइवेट कर सकते, प्राइवेट रख सकते हैं, गैलरी में रहेगा नहीं, मतलब गैलरी से भी हटा लेंगे तब भी वो प्राइवेट रहेगा। तो उसके लिए आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है, एंड इसके बाद आपको यहीं पर दिखता है प्राइवेसी, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है फर्स्ट ऐप लॉक, यहाँ पर ऐप लॉक लगा के रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ दिखता है हाइड ऐप्स, यहाँ से ऐप को हाइड करके रख सकते हैं। इसकी सेटिंग पर जाकर फिर जो भी लॉक लगा चाहे तो लगा सकते हैं, लॉक लगाना होगा इससे पहले आपको। और यहाँ पर आपको दिखता है प्राइवेट सेफ, एंड यहाँ पे प्राइवेट सेफ भी कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको ऐप लॉक और जो भी है लॉक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि मैं पैटर्न लॉक ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद नेम डालेंगे, ताकि अगर भूल जाते थे तो नेम डाल के ओपन कर सकते हैं फॉरगेट करके, एंड बट मैं नहीं कर रहा। ऐसे आप प्राइवेट ऐप सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। गाइस 10th फीचर है नाइट बैटरी चार्जिंग, यानी कि मतलब रात भर, ज़्यादा लोग रात में फ़ोन को चार्ज करते हैं जो 2-3 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो आप मतलब अभी लगातार लगा रहता है और भी घंटे, और जिससे कि आपके जो फ़ोन है वो गर्म हो जाता है और हैंग करना शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो उसे कैसे आप कर सकते हैं कस्टमाइज़ वो बताऊँगी। इसके लिए आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा बैटरी का ऑप्शन, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है मोड्स, बैटरी सेटिंग्स, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा और ये वाला ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये लास्ट में आपको दिख जाता है नाइट चार्जिंग, इस प्रकार ऑफ है तो ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको जो इसमें और मतलब जैसे कि आप रात में फ़ोन चार्जिंग लगाएंगे, मतलब चार्जिंग में आप लगाते हैं फ़ोन, तब आपको मतलब 3 घंटे में आपका 50 तो हो जाएगा आपका, मतलब 2-3, 2-2.5 घंटे में आपका हो जाएगा, और जो बाकी 2.5 घंटे बचते हैं वो उतने में आपका स्लो चार्ज होगा, जो जितने मतलब सुबह तक आपका हो जाएगा पूरा 100। जो आपका फ़ोन में जो प्रॉब्लम होता है, होम जैसे फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है एंड गर्म हो जाता है, वो कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें इसे ऑन करने से। एंड नाइट चार्जिंग इस आप यूज़ कर सकते हैं, अमेजिंग फीचर है, एंड इसी तरीके से यूज़ करेंगे। एंड गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और गाइस इसमें से कौन सा फीचर्स आपको पसंद आया वो कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।